अरे कोई है यो घर में? अरे कोई है, हमारी बात सुनो। आप एक काम करो, देवी ने बुला के लाओ, फटाफट जाओ फटाफट। फंस गई देवी, पर ये मुझे ढूंढ क्यों रहे हैं? हे देवी माँ, क्या करूं? किस मुंह से बोल लेगा अधिराज छोरी ने कि मारे को थारी मदद चाहिए? बहुरानी कहीं नहीं मिली। नहीं मिल रही तो के लेके मतलब के देवी ना है? अरे नीचे जाकर देखो, कालकोठरी में देखो, वहां बोलोगी। भाभी सा, मासा, अरे सब के सब कहां पर है? कहां गए सारे के सारे? क्या हुआ? अरे देवी कित है? देवी? हाँ। के हो गया देवर सा? हाँ, मिल ना रही छोरी। यही तो बात मैं पूछ रहा हूँ कि देवी कित गई। अरे कटे गई छोरी? हाँ? सारी हवेली देख ली लेकिन बहुरानी कहीं नहीं मिली। मारे को तो पहले ही लगा था कि जिस दिन छोरी ने मौको मिलो ना चिड़िया फुर, और देख लो हो गयो ना। बड़ा शौक था ना तुझे शेर के पिंजरे में जाने का, अब देख पूरा जंगल तुझे ढूंढ रहा है। ये छोरी अपनी हरकतों से बाज ना आवेगी, इसका हर्जाना पूरे पूरे के पूरे चौहान परिवार को भुगतना पड़ेगा। चौहानों को भी पता चलना चाहिए कि रजावत से पंगा लेने में के होवे है। इब कहाँ ढूंढेंगे ये छोरी ने? नीचे के नीचे देखा आपने? मासा सारी हवेली देख ली लेकिन बहुरानी कहीं नहीं मिली। देवरानी साले बहुत वक्त लग सके ढूंढने के लिए, मैं सबके लिए चाय बनाकर लेकर आऊं। पता नहीं कठे चली गई वो। निशा के साथ में रह के तू भी होशियार हो गई है केसर? माँ जी साहब, देखो ना ये दरवाजा ना खुल रहा। क्या हो गया अब? अरे दरवाजा खोलो। क्या हो गया? ये देखो ना दरवाजा ना खुल रहा है। ये देवर साहब, मैं कब से दरवाजा नहीं पीट रही हूँ, पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। पता ना कौन है अंदर, कहीं देवरानी सा तो भीतर ना है, कहीं देवरानी सा ने कुछ करना नहीं आओ। मारे को बहुत डर लग रहा है। भाभी से पाचे हट, मैं खोलता हूँ। ना देवर साहब, मैं खोल रही। अरे खोलो ना दरवाजा। भाभी साहब, मैंने कहा पाचे हट, मैं खोलता हूँ। अगर देवर साहब ने दरवाजा खोल दिया तो हमारी भी पोल खुल जाएगी। मतलब है तारा, कहीं चली गई थी? सब ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे, सुनाई नहीं दिया। आप सब मुझे ढूंढ रहे थे? इतना प्यार करते हो आप सब मुझे? बकवास बंद कर, कठे गई थी मरने? मरने नहीं, मैं भी कुछ ढूंढ रही थी।
हमारा लाड़े सर है, अच्छी तरह से खबर ले रहा होगा वो छोरी की इस हरकत के लिए। ये छोरी की हरकत ही हुकुम साकी, ना शर्म ना बड़ों का लिहाज, बस हाथ पकड़ लिया छोरी का और लेके गए कमरे में। भगवान देवरानी साहब के साथ फिर से कुछ ना करते थे वर्षा, बहुत जबरदस्ती से लेके गए, हमारा तो बहुत डर है, भगवान बचा ले। ये लग रहा है थारे को ये हो रहा होगा बेहतर, ये चोरा चोरी कुछ ज्यादा एक दूसरे के करीब रहा है। Can I speak with Adhiraj Rajawat? Sure. आपसे बात। अरे कौन? अंग्रेजी में बात करनी आती तो तारे को लेके आता। तू बात करना मेरी तरफ से। आपकी तरफ से? हाँ। मैं बात करूँ। हाँ। I shall be taking this call on Mr. Adhiraj's behalf. Okay. Please tell me how may we help you. I want to know the details about the land that your company purchased in Sijangarh. Okay. सुजानगढ़ में जो आपने जमीन ली है उसके बारे में पूछ रहे थे। हाँ तो उसने क्या किया, अच्छी जगह पर है और 20 एकड़ जमीन है, बड़ी अच्छी जगह पर है। The USP of this land is its location. Okay. It's a very very good land. It's more than 800,000 square feet. See you soon. Take care. Thank you. क्या बात हुई? Mr. Jonathan, very very impressed with your assistant. हिंदी में बात करना हमारे को अगर समझ में ना आए अंग्रेजी। बहुत खुश है आपसे और बहुत ही जल्दी आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं वो। अरे यो तो कमाल की बात हो गई। यो मतलब यो की इतनी बड़ी वाली डील, अरे भाई शुक्रिया हमारी सहायता करने के लिए। मोस्ट वेलकम। ए छोरी। हाँ भाभी सा, ऐसा कौन सा काम था देवरसा को तेरे से, हाँ, जिसकी वजह से पूरे परिवार के सामने दरवाजा बंद कर लिया? को तो पता ही है ना कि पति और पत्नी अपने कमरे में क्या करते हैं। छोरी, ज्यादा चपट चपट की ना तो थारी हिकड़ी निकाल के हाथों में दर दूंगी। बता क्या हुआ था? Well, I highly doubt you will be able to understand that. Still, I'll try. Okay? बिल्कुल ऐसी ही शक्ल थी उनकी जब किसी विदेशी क्लाइंट ने उनको फोन किया, अंग्रेजी में बात करनी थी इसलिए लेकर गए थे मुझे वहां पर। हाय माँ जी सर, आज तो बाल बाल बच गए पर आज तो हमारे साथ आप भी चली जाती चूल्हे में। इच
झूले में तो वो छोरी जाएगी बहुत जल्दी, बस देखते रहो। और फिर उन्होंने बोला या गुड इवनिंग, नाउ माय असिस्टेंट टॉप। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, तो फिर से थारे को दिवर्ता का नया रूप देखने को मिल गया। हाँ, आज मुझे उनमें एक बच्चा दिखाई दिया जो ऐसे अगले मोड़ पर क्या होने वाला है वह सोचता रहता है, और जैसे बच्चों को कुछ मनचाही चीजें मिले तो कैसे बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है ना चेहरे पे, वो दिखाई दी उनके चेहरे पे। यकीन ही नहीं हुआ मुझे तो, ये वही है जिन्होंने मेरी पीठ पे। देवरानी साहब, वो इरादा देवरसा का बिल्कुल भी ना था, वो आदेश था माजी साहब का। और हम सब जाने कि माजी साहब का आदेश चाहे अच्छा हो या बुरा, देवरसा उसे पूरा करे ही है। ये बताओ कि थारे को देवरसा की तकलीफ के बारे में पता चला जो पीठ पे? नहीं, उसके लिए कुछ नया तरीका ढूंढना होगा। यो कौन सा नया उपाय ढूंढ निकाला थे? शैम्पू की बोतल में छेद करके इसके अंदर मोबाइल फोन डाल के बाथरूम में लगा देंगे, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर पता चलेगा। ए भगवान, देवरानी सा कैसे कैसे उपाय ढूंढो थे, थारा दिमाग भी तो। एक काम करो और जोर से बोलो, पूरे सुजानगढ़ को पता चलना चाहिए ना हमारा प्लान क्या है। अच्छा, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सको, थारे को शर्म ना आएगी। क्यों, बीननी हूँ ना उनकी, इतना अलाउड है मुझे, शर्माइए मत ना आप। हो गया? वाह देवरानी साहब, जोरदार दिमाग है थारा भी। आप इधर ही रुके, मैं जरा इसको रख के आती हूँ। हमारे को टीका लगवाने के लिए अलग से आरती करनी पड़ेगी। Oh,
लिए स्नान घर मैंने साफ कर दिया। हाँ ठीक है, एक मिनट। क्या कहा? स्नान घर पूरा साफ कर दिया। स्नान घर? रुको, इधर ही रुको। अरे वो सारी शैम्पू की बोतल कहाँ गई? वो तो मैंने फेंक दी। फेंक दी? कहाँ? नीचे कबाड़ी वाले को दे दी। अरे भैया ठीक से तोड़, वो चार बोतलें भी हैं। वो भी सारा लेने को बोल दे। वो क्या? कुर्सी। थैंक गॉड फोन मिल गया। जल्दी कुछ सोच वरना फोन के साथ साथ अधिराज की पीठ का राज भी गया कबाड़ में। मासा मुझे कुछ पैसे चाहिए, बाजार से शैम्पू खरीदना है। एक काम कर छोरी, तेरी जो भी जरूरत है ना, एक कागज में लिख के मार को दे दे, वो पूरी करने तो बैठी हूँ मैं यहाँ। हाँ और जो कुछ थोड़ी बहुत लाश शर्म बची है ना थारे अंदर, उसको भी बेच और उससे खरीद के ला थारा शैम्पू। मासा बस एक चुटकी शैम्पू ही तो मांगा है मैंने, देखिए ना कैसे बेजान हो गए हैं मेरे बाल, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। जिंदगी में तो कुछ नहीं हो सकता पर बालों में तो कुछ जान आ जाएगी, निखार आ जाएगा। मासा बस एक बूंद, एक दो बूंद शैम्पू। मासा मैंने बाल नहीं धोए ना तो आप ही को परेशानी होगी, नहीं बदबू आएगी और फिर खाना बनाते वक्त अगर जुए गिरने लगी तो। मासा देखिए ना कैसे हो गए मेरे बाल। चाहे तारे बाल मुरझा जाए या कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े हो जाए, एक फुटी कौड़ी न मिलेगी। आपके दांत में कुछ फंस गया है, साफ कर लीजिए। अच्छा मासा एक काम कीजिए, पैसे नहीं चाहिए, बस एक दो बूंद शैम्पू दे दीजिए, पुराना शैम्पू भी चलेगा, चला लूंगी मैं काम। एक काम कर, ये रद्दी में 4-5 सीसिया पड़ी है, देख ले, एक आध बूंद मिल जाए तो तेरे बाल धो देना। थैंक यू मासा, थैंक यू। योले भैया ठीक से तोड़, लिख रही हूँ मैं सब कुछ। चलो डिटेक्टिव देवी, कुछ ही मिनटों में ने प्लान में सक्सेस होने वाली है तू। देखो इनको ऐसे, देख लेती हूँ, देख लेती हूँ, नींद है, कुछ नहीं, देख सकती है तू उसको ऐसे। ओके देवी, ला, 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 ला।